One Day in the Life of Ivan Denisovich, is a novel by Nobel Prize-winning Russian writer Alexander Solzhenitsyn. पहली बार नवंबर उन्नीस में सोवियत साहित्य पत्रिका नोवी मीर नई दुनिया में प्रकाशित हुई कहानी 1950 के दशक में एक सोवियत लेबर कैंप में सेट की गई थी और ने निसोविच जुखोव के साधारण कैदी के जीवन में एक दिन का वर्णन करता है कहानी की समीक्षा इवार सोविच सुखोव को सोवियत गुलाग प्रणाली के एक शिविर में सजा सुनाई गई है उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के कैदी के रूप में जर्मन द्वारा संक्षिप्त रूप से पकड़े जाने के बाद जासूस बनने का आरोप लगाया गया था वह निर्दोष है लेकिन एक मजबूर श्रमिक शिविर में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है दिन की शुरुआत सुखोव के बीमार होने से होती है देर से जागने के लिए उसे गार्ड हाउस को साफ करने के लिए मजबूर किया जाता है लेकिन यह तुलनात्मक रूप से मामूली सजा है जब शुकोव अंततः गार्ड हाउस छोड़ने में सक्षम होता है तो वह अपनी बीमारी की रिपोर्ट करने के लिए औषधालय जाता है इस समय तक सुबह में अपेक्षाकृत देर हो जाती है हालांकि अर्दली किसी भी अधिक श्रमिकों को छूट देने में असमर्थ है और सुखोव को काम करना चाहिए शेष उपन्यास मुख्य रूप से सुखोव के दस्ते एक सौ 24 जिसमे चौबीस सदस्य हैं, के साथ उनकी निष्ठा स्क्वाड लीडर के प्रति निष्ठा और कैदियों जीकों को उनके प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त भोजन मिलने की उम्मीद में है उदाहरण के लिए वे एक क्रूर निर्माण स्थल पर काम करते हुए दिखाई देते हैं जहां ठंड मोटर को इंट पत्थर लगाने के लिए इस्तेमाल करती है अगर जल्दी से पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया जाता है सोलझेनित सिम कैदियों द्वारा जीवित रहने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का भी विवरण देता है पूरा शिविर योग्यतम के जीवित रहने के नियम से रहता है ट्यूरिन गैंग 104 का फोरमैन सख्त लेकिन दयालु है और जैसे ही किताब आगे बढ़ती है ट्यूरन के स्क्वाड का शौक अधिक स्पष्ट हो जाता है हालांकि, एक मूरख व्यक्ति ट्यूरन को पसंद किया जाता है क्योंकि वह कैदियों को समझता है वह उनसे बात करता है और वह उनकी मदद करता है शुकोव दस्ते में सबसे कठिन कामगारों में से एक हैं, जिनके पास बहुमुखी कौशल है जो बहुत मांग में हैं और वे आमतौर पर अच्छी तरह से सम्मानित हैं शिविर में राशन की मात्रा कम होती है कैदियों को यह बताने के आधार पर कि उनकी कार्य इकाइयाँ कितनी उत्पादक हैं या अधिकारियों को लगता है कि वे हैं लेकिन वे उन कुछ चीजों में से एक हैं जिनके लिए सुख रहता है वह उस भोजन का संरक्षण करता है जो उसे प्राप्त होता है और किसी भी वस्तु के लिए हमेशा सतर्क रहता है जिसे वह बाद की तारीख में भोजन के लिए छिपा सकता है और व्यापार कर सकता है या एहसान और सेवाओं के लिए वह कैदियों को कर सकता है कि वे भोजन के छोटे उपहारों के लिए उसे धन्यवाद देंगे दिन के अंत में सुखोव सेजार सीजा के लिए कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है एक बौद्धिक जो मैनुअल श्रम के बजाय कार्यालय का काम करता है सेजर सबसे उल्लेखनीय है हालांकि अपने परिवार से भोजन के पैकेज प्राप्त करने के लिए सुखोव उसके लिए लाइनों में खड़े होकर सीजर के पैकेजों का एक छोटा हिस्सा पाने में सक्षम है सुखोव अपने दिन को दर्शाता है जो उसके लिए उत्पादक और भाग्यशाली दोनों था वह बीमार नहीं हुआ उसके समूह को अच्छी तरह से भुगतान किया गया काम सौंपा गया था उसने दोपहर के भोजन पर भोजन का दूसरा राशन फिल्म आया था और उसने एक छोटे से टुकड़े को धातु में तब्दील कर दिया था जिसे वह एक उपयोगी उपकरण बना देगा सारांश का अंत धन्यवाद